खबर है दिल्ली से। बता दें आउटर डिस्ट्रिक्ट दिल्ली पुलिस थाना रानी बाग को बड़ी सफलता हाथ लगी है। आउटर डिस्ट्रिक्ट एडिशनल डीसीपी अमित वर्मा के नेतृत्व में लूट के मामले में 5 बदमाशों को 72 घंटे के अंदर दबोच लिया गया। इन लुटेरों के पास से 39 लाख रुपए, एक स्कूटी के साथ ही एक क्रेटा कार भी बरामद की गई है। आउटर डिस्ट्रिक्ट पुलिस को ये बड़ी सफलता हाथ लगी है। बता दें कि सोमवार शाम को थाना रानी बाग क्षेत्र के अंतर्गत पीतमपुरा इलाके में मोबाइल कंपनी में काम करने वाले 2 युवकों से 4 बदमाशों ने मारपीट कर 40 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए थे। इसके बाद आउटर डिस्ट्रिक्ट एडिशनल डीसीपी अमित वर्मा के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया था। टीम का नेतृत्व एसीपी रिचपाल सिंह और थाना मुकेश कुमार ने किया। इस मामले में सभी 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। इन बदमाशों के पास से 39 लाख रुपए, क्रेटा कार और एक स्कूटी बरामद की गई। बदमाशों को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस सख्ती से कार्रवाई कर रही है। 24x7 लाइव टीवी के लिए दिल्ली से नीरज कुमार की रिपोर्ट।